Hello, bachon. Let's read this question. The question says, in which case is diffraction effect more prominent, slit formed by two blades or slit formed by two fingers? Key concept. Diffraction जो phenomena है या diffraction effect जो है वो क्या होता है? Diffraction is bending of waves या bending of light around an obstacle. Or through an aperture when the slit is comparable to the size of wavelength of wave. डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें बेंडिंग ऑफ लाइट अगर करता है थ्रू एन अपर्चर, जब जो अपर्चर है या फिर जो ऑब्स्टेकल है या जो स्लिट है उसका साइज कंपेरेबल टू साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव होगा, तो ये फिनोमिना अकर करता है. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डिफ्रैक्शन इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट किस में दिखेगा हमें, जब हम दो ब्लेड्स की हेल्प से कोई स्लिट फॉर्म करेंगे या हम टू फिंगर्स की हेल्प से स्लिट फॉर्म करेंगे. सो यहाँ पे हमने देखा कि डिफ्रैक्शन के लिए मेन चीज जो है वो है कि जो स्लिट हो उसका साइज कंपेरेबल टू साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव हो. सो ये जो साइज है कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ वेव वो हमें मिलेगा जब हम स्लिट फॉर्म करेंगे बाय टू ब्लेड्स, नॉट बाय स्लिट फॉर्म बाय टू फिंगर्स. क्योंकि जो फिंगर्स होंगी उनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और जो स्लिट फॉर्म होगी वो सेम विड्थ की नहीं हो पाएगी. सो स्लिट शुड बी नैरो, स्लिट इज नैरो एंड फाइन and comparable in size to the wavelength of light in the case of टू प्लेट्स. सो जो मोर प्रोमिनेंट डिफ्रैक्शन इफेक्ट होगा वो होगा ड्यू टू स्लिट फॉर्म बाय टू प्लेट्स. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.